नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण के दौरान परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसा था। और वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बीजेपी के द्वारा एक पोस्टर भी जारी किया था और क्विट इंडिया के लिखा हुआ एक पोस्टर जारी किया गया था। आप देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं उसको लेकर और बीजेपी के द्वारा जो पोस्टर जारी किया गया था क्विट इंडिया, उसको लेकर राजद के तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है राजद के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर। और इस पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी का पोल खोला गया। आप देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ बीजेपी ने पोस्टर जारी किया गया था और लिखा था क्विट इंडिया, और वहीं देखिए इस पोस्टर पर लिखा गया है बिहार की जनता करे पुकार भारत छोड़ो एनडीए सरकार। और वहीं दूसरी तरफ ये भी लिखा गया है जनता आंखें खोलकर देखो भाजपा का परिवारवाद, यानी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर महागठबंधन के और तमाम विपक्ष के नेताओं पर तंज कसा था उसको लेकर कहीं ना कहीं इस पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया और तमाम तरह की चीज़ें इस पर लिखी गई। और वहीं दूसरी तरफ जो बढ़ती महंगाई है, महंगाई को लेकर भी तंज कसा गया है और सीधे सीधे तौर पर लिखा गया हाय महंगाई तू कहाँ से आई, मैं महंगाई भाजपा के शासन में आई। देख सकते हैं लिखा गया यूपीए सरकार में जो गैस सिलेंडर का रेट था वो 350 था, और वहीं अच्छे दिन का रेट, यानी जो प्रधानमंत्री बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, उसका रेट भी दिखाया गया है 1200 रुपया। और वहीं यूपीए के सरकार में 65 रुपये दिखाया गया है पेट्रोल के दाम, और वहीं अच्छे दिन में 107 रुपये। तो कहीं ना कहीं इस पोस्टर के जरिए बढ़ती महंगाई पर और देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पर तमाम नेताओं पर तंज कसा गया। और सीधे सीधे जो परिवारवाद की बात करते हैं दूसरी तरफ, वो भी लिखा गया अमित शाह का पुत्र जैसा और भी तमाम जो नाम है वो दर्शाया गया। और वहीं देख सकते हैं बीच में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका तस्वीर दर्शाया गया, और उनके साथ साथ और भी जो कई नेता हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं और उनके घोटाले को भी गिनाया गया। देख सकते हैं लिखा गया अजीत पवार सिंचाई घोटाला, पेमा खांडू 2000 करोड़ घोटाला, जय पांडा जमीन घोटाला, नारायण रांडे लैंड घोटाला, हेमंत बिस्वा शर्मा शारदा घोटाला, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, बीएस बोम्मई पे। दूसरी तरफ ये भी लिखा गया छक्कन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला। तो कहीं ना कहीं इस पोस्टर के जरिए जो राजद है वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसी। और आपको बता दें कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भाषण दिया था और उस दौरान विपक्ष के तमाम नेताओं पर तंज कसा था। और वहीं बीते कुछ दिनों पहले बिहार में बीजेपी के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया था, और उस पोस्टर में जो विपक्ष का नया अलायंस बना है इंडिया, उसको लेकर क्विट इंडिया करते हुए एक पोस्टर जारी किया गया था। अब इन तमाम चीज़ों पर तंज कसते हुए राजद के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है और बीजेपी का कहीं ना कहीं इस पोस्टर के जरिए पोल खोला गया, और बढ़ती महंगाई को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा गया है। इस पोस्टर में तमाम चीज़ को दर्शाया गया है, और वहीं ये भी दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जितने जो नेता भी हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए उन तमाम लोगों का इस पोस्टर के जरिए घोटाला को भी गिनाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं राजद के द्वारा बीजेपी के और बीजेपी के तमाम जुड़े हुए जो पार्टी है जो नेता है उन तमाम लोगों का जो घोटाला है इस पोस्टर के जरिए वो दर्शाया गया है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।